थैंक यू। बल्ले बल्ले एक पंजाबी वेडिंग म्यूजिकल है और हम लोगों ने ट्राई किया है कि कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट मुंबई में लाए। तो ये म्यूजिकल शो है, इट्स लाइक अ मूवी व्हिच इज बीइंग डन लाइव ऑन स्टेज। हमारे जो सारे एक्टर्स हैं और डांसर्स हैं वो लाइव एक्ट कर रहे, डांस कर रहे, ये गाना गा रहे, लाइव डायलॉग लाइव है, सब कुछ लाइव है। हम लोगों ने बहुत, हमारे जो दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के और सिंगर्स और कॉर्पोरेट्स और हमारे फैमिली और फ्रेंड्स सबको बुलाया हुआ है, तो आएंगे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कास्ट फॉर दिस शो, क्योंकि ये शो के लिए जो टैलेंट चाहिए उसको, मतलब वो एक ही टैलेंट को उसका कैरेक्टर का लुक भी होना चाहिए, उनको गाना है, उनको डांस करना है और डायलॉग करना है, तो इट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर एनी एक्टर टू डू ऑल ऑफ दिस ऑन स्टेज। वी मैनेज टू पुट टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वेरी यंग डायनामिक गुड एक्टर्स एंड गुड पीपल एंड वी हैव ट्रेन देम इन एवरीथिंग। आई थिंक दे आर टर्निंग आउट टू बी स्टार्स ऑफ द शो। हाँ, हमारा पूरा प्लान है, ये तो अभी छोटा सा रन जो कर रहे हैं हम मुंबई में, फिर हम ऑल ओवर इंडिया जाएंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जाएंगे। नहीं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनीज जो है वो उसकी बैकड्रॉप है। देयर इज अ कंप्लीट स्टोरीज, देयर इज अ कंप्लीट एंटेंगल लव स्टोरीज एंड देयर इज अ कंप्लीट स्टोरी विच इज रोलिंग आउट। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक अ वेडिंग सेरेमनी, it's a full like a proper story and wedding is a backdrop to the whole thing. Okay, we can expect many other plays in the future, right? Of course, this is just the beginning. Thank you. Tell us still. Yes. Left. Left. Center. Right. Left. Center. Sir, वहाँ पे क्या है? Left. अभी तू सुस्त है तो मैं क्या करूँगा? हाँ जी मेरे दोस्तों, इससे पहले आप मुझसे पूछें कि आपको कैसा लग रहा है और आप ऐसे शो को कैसे देखते हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। शो का नाम है बल्ले बल्ले, एक्सपेक्टेशन है बल्ले बल्ले और होगा भी बल्ले बल्ले इसलिए क्योंकि विश क्राफ्ट कर रहा है और विराफ कर रहे हैं और ये लोग जो हैं एक्सपर्ट्स हैं। मुझे खुशी है कि इस तरह का एक रेवोल्यूशन आ रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ करके थिएटर भी एक म्यूजिकल शो करेंगे। ब्रॉडवे शोज की तरह हमारा देश भी अपनी संस्कृति, अपनी रामायण महाभारत, अपने कल्चर को एक्सप्रेस करेगा थ्रू ब्रॉडवे शोज, थिएटर रेवोल्यूशन से। हम फिल्में तो बनाते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो पर्दे पे होती हैं, अब ये सब थिएटर में होंगी आस्ता आस्ता और आई एम श्योर कि ये लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, बिकॉज इसका पैरामीटर्स ही अलग हैं, इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। यहाँ पर एक्टर्स डायरेक्ट गाते हैं, यू नो डायरेक्ट लाइव कनेक्शन है, लाइव सिंगिंग है, कोई प्लेबैक सिंगिंग नहीं कि वहाँ से गा रहा है कोई वहाँ से गा रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस। गो एंड वॉच बल्ले 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 बल्ले। हाँ जी, शादी का माहौल बना रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि विस्क्राफ्ट जब भी कोई काम करता है तो बहुत ही खूबसूरत काम करता है। इससे पहले भी उनके जितने भी ब्रॉडवे थे वो देख करके बहुत अच्छा लगा था और जितने भी इवेंट विस्क्राफ्ट हाथ में लेते हैं तो वो बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है कि आज भी जो है वो बड़ी ही रंगीन शाम होने वाली है। मैं तो आज देखने आया हूँ। आई विश कि इसमें मैं, मेरा भी कोई, मुझे भी कोई चांस देता तो बहुत अच्छा होता।
थैंक यू सर। एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ फन, बहुत सारी मस्ती, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अराउंड वेडिंग्स एंड दैट होल स्पिरिट, तो इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम ऐसे जाएंगे जैसे वी आर गोइंग टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ अ वेडिंग। विस्टा फैमिली है, सो वी बोथ हियर टू विश देम ऑल द बेस्ट। यस, टायर के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है हमारे मास्टर भी। आई एम वेयरिंग पुनीत बलाना, ऑफ कोर्स स्टाइल्ड बाय माय वन एंड ओनली देव की, एंड बस बल्ले बल्ले की स्पिरिट में इंडियन रखा इसीलिए। आई एम रिसेंटली लविंग लाहौरी फैशन एंड दिस इज जनरेशन फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। सर यहाँ पे विजुअल, पहले विजुअल बात कर लो, बस बस सर थैंक यू सर। See, why me? Everybody loves it. शादियों में क्यों लोग नाचते हैं, रोडों पे नाचते हैं, they don't care कि कौन देख रहा है। मेन रोड में अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के, लाखों रुपए की साड़ियाँ पहन के लोग डांस करते हैं, और यहाँ तो मजे ही मारेंगे लोग। थैंक यू। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जो भी चीज़ें विस्क्राफ्ट करते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की शाम बहुत मनोरंजक है। तुम लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे थे? अच्छा, सबको अलग अलग चाहिए। हाँ, बल्ले बल्ले को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि विस्क्राफ्ट ने आज तक जैसे भी शोज़ किए हैं वो बहुत ही मतलब उम्दा और जलवेदार रहे। सो आई हैव अ फीलिंग दिस इज बल्ले बल्ले इज गोइंग टू यू नो बी समथिंग मैग्निफिसेंट। लाइक आई सेड, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग दैट विस्क्राफ्ट डिलीवर्स। They had done a show earlier in Delhi. I am expecting Balle Balle to be bigger and better than that. Thank you. That was short, yeah? What's up? How's it going? I'm very, very excited for this Balle Balle theatrical musical thing. This is my first experience something like this, so I'm very excited. I haven't attended something like this before, so I'm very excited, and especially for a girl who's like hardcore Indian deep inside. So it's an amazing experience to have, because I love Indian weddings. I love the fact that we Indians have so much fun at somebody's wedding than our own weddings. So it's a great thing, and plus the fact that I have so many friends who come over to India just to experience the Indian wedding. So I'm so glad to be being a part of a country where I get to experience something so amazing, something so musical, fun and exciting. So I'm very excited for tonight. And local news ke alawa what bhi chal raha hai, aap dekhti hain ya follow karti hain? मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, नॉट रियली वॉचिंग फुल फ्लेजली, बट थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस इधर उधर जो भी देख पाती हूँ, सो लिटिल बिट। या फेवरेट कंटेस्टेंट अभी अभी आपको लगे ये विनर होने वाले या फिर ये अच्छा कर रहे? माय फेवरेट कंटेस्टेंट इज शिल्पा, शी इज वेरी गुड, शी इज नाइस, शी इज अ गुड पर्सन बाय हार्ट, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। आप मुझे बल्ले बल्ले करते हुए भी देखेंगे,
स्टंट करते हुए भी देखेंगे बहुत जल्द. Right now, I think zip the lip is the best option. But like I said, soon, आपको सबसे पहले बताऊंगी. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Sorry, I've got to. This is funny. बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली क्योंकि मेरी माय नीस इज एक्टिंग इन दिस. मेरी ये और उसकी गरिमा की मम्मी है ये. शी इज माय सिस्टर इन लॉ और माय ब्रदर समीर एंड पूजा इज डॉटर गरिमा माय नीस शी इज एक्टिंग इन दिस. कितना एंजॉय करने वाले आप सभी की परफॉर्मेंस? अभी एंजॉय कर देखूंगी तब पता लगेगा ना कितना एंजॉय कर रही हूँ. ये प्रश्न आप मुझे बहुत जल्दी पूछ रहे हैं, देखने के बाद पूछना चाहिए था. बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी रियल फन एंड वेरी एंटरटेनिंग. शादी का कहना है कि शादी से रिलेटेड या बल्ले बल्ले से रिलेटेड कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आप देख के सॉन्ग है जो आपको अच्छा इस इवेंट को लेकर म्यूजिक को लेकर अभी क्या मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड बहुत इंक्विजिटिव हूँ कि क्या होने वाला है अंदर. रियली एक्साइटेड. सारी चीज़ें जो चीज़ें आप अवॉइड करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो सारी चीज़ें वेडिंग में होनी चाहिए. टोटली इंडल्जेंट. I enjoy, yeah, I think, you know, music and food are the best, it's a universal connect. So it's the best thing you can have in life. It's a perfect life with music and food. Thank you. Puchhiye. Hi. कॉन्सेप्ट ऑफ वेडिंग्स अपने आप में बहुत ही मज़ेदार होता है एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वेडिंग्स एंड इन द फैमिली. बाप रे बड़ा कमाल का हॉर्न बज रहा है बाहर. सो वेडिंग्स एज इट इज़ इतना मस्ती भरा माहौल बना देती हैं तो मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स में जब भी कुछ ऐसा होता है कि खबर मिलती है किसी की शादी होने वाली है तो मेन्यू वेन्यू कपड़े डिज़ाइनर्स खाना गाने संगीत ये सब कुछ यू नो ऐसे तैयारियां शुरू हो जाती हैं. आई थिंक द होल फैमिली इज़ कमिंग टुगेदर दोस्त एक साथ आते हैं सो बहुत मस्ती भरा होता है. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस म्यूजिकल. अरे मैं बहुत सारे शादी के कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म करती हूँ. सो मच सो दैट व्हेन आई गॉट मैरिड अ ईयर एंड अ हाफ बैक मैंने खुद की शादी को भी एक कॉन्सर्ट बना दिया था फटाफट फेरे ख़त्म करके. दैट इज़ माई हस्बैंड स्टैंडिंग राइट हियर. एंड उस तो जैसे ही हमारे फेरे ख़त्म हुए थे तो हमने दौड़ के सबसे पहले एक दूसरे के लिए गाना गाया था और फिर जितने हमारे दोस्त आए हुए थे उनको भी स्टेज पर बुला लिया था गाने के लिए. सो आई थिंक जो भी गाना गा के खुशी मिले वो शादी का गाना बन जाता है. आई थिंक देर इज़ नो मोर अप्रोप्रिएट सॉन्ग दैन. नहीं यार मैं कभी कभी ऑडियंस बनने आती हूँ. थैंक यू. मैंने विस्काफ के दिल्ली के शोज़ देखे हैं किंगडम ड्रीम्स में जो करते हैं एंड दे आर क्वाइट मैजिकल. सो जब पता लगा कि ये आप विस्काफ इज डूइंग दिस शो हियर सो दे यूजली मैनेज टू गेट बिग ग्रेट स्टेज क्राफ्ट एंड फिल्म्स टुगेदर. सो आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट सॉन्ग्स ग्रेट फन एंड अ स्पेक्टिकल. I love to watch it, not to do it. Thank you. पहले तो ये है आज की शाम ये जस्ट आज की शाम ये चलिए बाय बाय. ओके तो पुनीत जी बल्ले बल्ले की शाम को लेकर आज की शाम को लेकर एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ.
बिकॉज हमारी तकरीबन सात आठ महीने की मेहनत है. टू कोरियोग्राफ अ म्यूजिकल मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा था बिकॉज नया है. मूवीज़, टेलीविजन, रियलिटी शोज करके थोड़ा थकान आ जाती है, तो ये रिफ्रेशिंग है, बहुत मज़ा है. आज से लास्ट टाइम आपने बल्ले बल्ले कब किया था, अगर आप कुछ बताना चाहें, आप कैसी कोई मेमोरी? नहीं, ये आठ महीने सिर्फ बल्ले बल्ले ही किया है. ये शो को कोरियोग्राफ करते करते सिर्फ बल्ले बल्ले ही हुआ है, और आई होप देखने के बाद लोग भी बल्ले बल्ले करें. द एंटायर एक्सपीरियंस, इफ आई हैव टू से, इट वाज सैटिस्फैक्शन जो चाहिए क्रिएटिव बंदे को इधर मिला, एंड बहुत मज़ा आया. ओवरऑल यस, मेहनत की, अभी मेहनत होपफुली रंग लाए, मज़ा आया लोगों को. विच एक्टर? देखो मैं बताऊँ, जब कास्टिंग हुई थी ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइव सिंगिंग, बिकॉज ये पहली बार हो रहा है. तो क्राइटीरिया था कि सिंगर बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर एक्टर अच्छा होना चाहिए, डांस तो करवा लेंगे. ये था, तो पूरा प्रेशर हमारे ऊपर था, पूरी कोरियोग्राफी टीम को. डांसर्स इन जनरल सबका प्लस माइनस होता है, कोई अच्छा परफॉर्म कर लेता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई स्टेप्स पिकअप जल्दी करता है, किसकी मेमोरी का प्रॉब्लम है. तो ओवरऑल प्लस माइनसेस थे, बट इसलिए ट्रेनिंग होती है, इसलिए यू नो दीज रिहर्सल्स हैपन, सो दैट एवरीवन कम्स टू द सेम लेवल. सो नाउ आई थिंक एवरीवन कम टू द सेम लेवल. जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में ढेर सारे डांसर, तो कोई एक ऐसा डांसर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बायोपिक का ट्रेंड भी है, कोई एक ऐसा डांसर आप चाहेंगे कि जिनके ऊपर बायोपिक बने, या आप करना चाहेंगे कोई एक ऐसा डांसर? मैं चाहता हूँ कि अगर बायोपिक बने कोई डांसर के ऊपर, वो हर एक बैकग्राउंड डांसर हो, क्योंकि लाइमलाइट जो आगे नाचता है आर्टिस्ट उसको होता है. मैं चाहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में एक बायोपिक बने जो एक स्ट्रगलिंग डांसर होता है पीछे, जिसको कोई पूछता नहीं कि प्यास लगी है, भूख लगी है, एक थोड़ा सा पसीना आता है तो चार लोग आ जाते हैं आर्टिस्ट को टचअप करने, डांसर को कोई नहीं पूछता. तो बायोपिक बने तो हर एक बैकग्राउंड डांसर के ऊपर. थैंक यू. Oi guys, come. The first time they are taking pictures with me. Yeah? Yeah, if you get spoiled, I'll slap you. Lovely. Sure. Yeah, आप जिंदा है? आप है तो हम हैं. तुम्हारी हरकतों से कोई मैं मारेगा पकड़ के. मजाक कर रहा हूँ. हाँ बोलो. थैंक यू यार. मैंने जब हम लोग प्रमोशन कर रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि गोलमाल हमारी तरफ से आपके लिए एक दिवाली तोहफा है, अगर आप लोग देखेंगे फिल्म तो वो हमारे लिए एक तोहफा होगा. तो मेरे ख्याल से लोगों ने पूरे हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब. थैंक यू वेरी मच. बहुत यार, ये लोग को मैं तब से जानता हूँ जब इन लोगों ने विस्क्राफ्ट शुरू नहीं किया था, तो हम लोग यानी जब मैं एक्टर नहीं था, ये विस्क्राफ्ट नहीं थे, तब से जानता हूँ, और तब से इनके साथ शोज वोज कर रहा हूँ, इनके साथ कई प्लेस कर चुका हूँ, भरत डबोल करके प्ले, आलिक के प्ले, वो सारे कोरियोग्राफ मैंने किए थे. तो हम एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है मेरा विस्क्राफ्ट के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन लोग ये कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत पहले अच्छा है, ये होना चाहिए, ऐसे बड़े म्यूजिकल्स होने चाहिए. बल्ले बल्ले शादी है, शादी है. मेरे ख्याल से यहाँ पे इस वक्त अगर कहूँगा तो सबसे अद्भुत शादी थी विराफ की, वो पारसी है और उसकी बीवी जो है वो सरदार है. तो एक सरदार और पारसी का जब शादी होती है तो आप सोच सकते हो कैसी होगी. तो हाँ, इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं देख चुके हम लोग, पहली बार यहाँ.
I think ये दोनों तो they were desperately wanting to see it. तो हम लोग जब आ भी रहे थे तो ट्रैफिक में लेट हो गए तो they were like it'll start, hurry up. बड़े घबराए हुए. So yeah, I think हम we all are very happy. And कल स्कूल में प्रॉब्लम होने वाली है. Because they got to reach late, they have to sleep less and go to school tomorrow. कहाँ पहुँच गए तो पद्मावती यार हमारे देश में है ना बहुत फुर्सत है लोगों प्रॉब्लम ही है और जितने है अभी क्या करें सबके अपने अपने मुद्दे अपने अपने रीजन होते हैं बट कहीं पे लोगों को ये सोचना चाहिए कि पद्मावती एक रियलिटी नहीं है मिथ है एक कहानी है एक लेखक की कहानी है उसमें कोई सच्चाई तो है नहीं तो आई थिंक अगर छोड़ दे फिल्म को और एक आर्ट फॉर्म को जीने दें उनके दायरे में तो अच्छा रहेगा अरे यार अभी तो मेरा तो वो पार्ट मेरे जो सीक्वल्स का दौर चालू हो गया अभी मुझे सीक्वल्स में ही गोलमाल करनी है फिर धमाल करनी है फिर इश्किया करनी है और फिर जॉली करनी है फिर मुन्ना भाई करनी है उसके बीच में अगली जो मैं चालू कर रहा हूँ उसका नाम है वीर परेरा वो एक बड़ी प्यारी सी कहानी है तो वो अगले महीने चालू करूँगा वीर परेरा कुछ बड़ा अभी मैं कहा बल्ले बल्ले